हेलो एवरीवन, व्यू जे एस थ्री की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मल्टीपल स्लॉट्स कैसे यूज कर सकते हैं। और यहां पे मैंने लिखा है विद नेम। इसका रीजन है कि जब भी आप लोग मल्टीपल स्लॉट्स यूज करने की कोशिश करोगे तो उस टाइम पे आपको स्लॉट्स के नेम डिफाइन करने पड़ेंगे। अभी तक आपने क्या देखा था, लास्ट वाली वीडियो को ही कंटिन्यू कर रहा हूं मैंने आपको यहां पे पहले पॉइंट बताया कि लास्ट वाली वीडियो को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो इसमें आपने क्या देखा, जब भी मैं यहां पे एक स्लॉट बनाता हूं इस तरीके से, मैंने यहाँ पे स्लॉट का कोई भी नाम नहीं दे रखा, बट जब भी आप एक से ज्यादा स्लॉट्स यूज करने की कोशिश करोगे, बट लेट्स से कि आपने एक और यहाँ पे स्लॉट यूज करने की कोशिश करी, तो आपको उस टाइम पे नाम डिफाइन करने पड़ेंगे। सबसे पहले इस वीडियो के पॉइंट्स दिखा देता हूँ, बाकी चीजें बाद में करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है एक नॉर्मल स्लॉट्स के साथ में, और नेम क्यों डिफाइन करने पड़ते हैं मल्टीपल स्लॉट्स के साथ में। उसके बाद में एग्जाम्पल मिलेगा और इंटरव्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। सो अभी आपने क्या देखा, यहाँ पे आपको एक ही वैल्यू दिख रही होगी, यहाँ पे आप देखो पीटर करके, ठीक है, बिकॉज हमने यहां से एक ही स्लॉट को यूज करा है। अब मैं यहां पे मल्टीपल स्लॉट्स यूज करना चाहता हूं एक यहां पे, ठीक है। और जब भी मैं पेरेंट्स एक, जैसे कि मेरा ये चाइल्ड कंपोनेंट है ना, इसको हटा देता हूं मैं अभी के लिए डिफॉल्ट वैल्यू वाले को, ठीक है। आपको यहां पे जो ये चाइल्ड में डाटा दिखे है पीटर, मैं चाहता हूं कि ये फर्स्ट वाली टैग है ना H1 टैग, इसके अंदर दिखे। और यहां पे मैं एक और डाटा सेंड करूंगा यहां पे, लेट से कि मैं यहां पे बटन बनाता हूं इस तरीके से, और इसको मैं बंद भी करता हूं और यहां पे लिख देता हूं बाय नाउ, ठीक है। ये वाला दिखे मुझे सेकंड वाली स्लॉट के अंदर, तो वो मैं कैसे कर सकता हूं अभी के लिए। आप क्या देखोगे, देखो मैंने जैसे ही यहां पे दो स्लॉट्स लगाई ना, एक स्लॉट यहां पे ऊपर हो गई है और एक स्लॉट हो गई है यहां पे नीचे, ठीक है। और अब आप इसको एक बार के लिए रिफ्रेश करोगे तो आप देखो आपको दो स्लॉट्स दिख गई हैं, दोनों के अंदर पूरा का पूरा डाटा आ गया। अगर मैं यहाँ पे एक थर्ड स्लॉट भी ऐड कर दूंगा ना यहाँ पे, तो आप देखोगे कि इसकी तीन अलग अलग स्लॉट्स में सबके अंदर पूरा का पूरा डाटा आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसा भी नहीं हो पा रहा है कि जो फर्स्ट वाला एच वन टैग है ये वाली फर्स्ट वाली स्लॉट में दिखे, जो बाय नाउ वाला बटन है वो सेकंड वाली स्लॉट में दिखे। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके नेम डिफाइन करने पड़ेंगे। तो इससे हमें दो चीजें समझ में आएंगी, एक कि हम नेम कैसे डिफाइन कर सकते हैं किसी स्लॉट का, सेकेंड चीज हम ये देखेंगे कि मल्टीपल स्लॉट्स कैसे यूज कर सकते हैं। अभी तो देखो मल्टीपल स्लॉट्स यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्चुअली यूज कर ही नहीं पा रहे हैं हम, ठीक है। सो वापिस आते हैं कि कैसे इसको यूज कर पाएंगे। सबसे पहले अगर आपको मल्टीपल स्लॉट्स यूज करनी है तो उनके आपको नेम डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स से कि आप एक यहाँ पे एक कार्ट बनाना चाहते हो, उस कार्ट के अंदर आपका एक हैडर, एक बटन होगा नीचे बाय नाउ का, और यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिखे। तो तीन स्लॉट बनाओगे आप, तो तीन स्लॉट में सबसे पहले यहाँ पे मैं एक हेडर लिख देता हूँ इस तरीके से। हेडर को जरूरी नहीं है, आप कोई भी टैग ले सकते हो, यहाँ पे डिव ले लो तो भी चलेगा, मैं बस अपनी मर्जी से ही हेडर ले रहा हूँ, उसमें और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ स्लॉट, इस स्लॉट को मैं बंद भी करूंगा इस तरीके से, और इस स्लॉट का मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ नेम हेडर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके जैसे ही मैं यहाँ पे एक और, अगर आप चाहो तो ये हेडर नहीं भी रखना तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैंने ये बस वैसे ही रख दिया जैसे कि हेडर था, ये मैं इसका रख देता हूँ कंटेंट, यहाँ पे भी कंटेंट रख दूंगा, और यहाँ मैं रखूंगा इसका नाम कंटेंट। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जो टैग लोगे उसका ही नाम रखो, आप यहाँ पे मेन भी रख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। मैं थोड़ा अलग करने के लिए यहाँ पे मेन ही रख देता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, सब कुछ सेम ही रख रहे हैं। और लास्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे फूटर, यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी फूटर बना दिया, और फूटर बनाने के बाद में मैं इसका नाम भी फूटर ही रख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे बता सकता हूँ इनको कि जैसे ये P1 H1 टैग है, ये कहाँ दिखाना है, ये बटन कहाँ दिखाना है, और मेरे पास यहाँ पे P टैग भी है। लेट्स से एक बार ठीक है, और इसके अंदर है Vue.js प्रोडक्ट, ठीक है। सो अब मैं हम चाहते हैं कि जो, अब देखो आपको एक तो एंड की कुछ टैग की प्रॉब्लम है, लेट मी चेक कि क्या मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, लेट मी चेक, ये भी बंद हो गया, ये भी बंद हो गया, और यहाँ पे हेडर की मुझे बंद करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बंद हो चुका है, ठीक है। अगेन चाइल्ड के अंदर, और यहाँ पे मैं टेम्पलेट भी बंद कर देता हूँ, टेम्पलेट भी रह गई थी, ठीक है। बट टेम्पलेट वगैरह सब कुछ बंद हो गया है,
बट हमें दिख नहीं रहा कुछ भी, क्योंकि हमने ये बताया नहीं है कि कौन से वाला H1 टैग किस जगह के अंदर आएगा। यहाँ पे तो हमने टेम्पलेट्स के नेम डिफाइन कर दिए, बट यहाँ पे किसी को हमने किसी के साथ में अभी तक बाइंड नहीं करा है। सो अब इसको हम करते हैं बाइंड। सो बाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आप ये H1 टैग ले रहे हो इसके साथ आपको लिखना है वी स्लॉट, और स्लॉट के अंदर अपना एक नाम डिफाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे नेम डिफाइन करता हूँ विथ कोलन, यहाँ पे लिखता हूँ हेडर इस तरीके से, ठीक है। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी आप इस तरीके से यूज करोगे तो ये अपनी एक इसकी खुद की टेम्पलेट टैग होगी, ये भी आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से टेम्पलेट टैग लो और यहाँ पे टेम्पलेट को बंद करो, और इसके अंदर हम रख सकते हैं हमारा H1 टैग, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या मिल रहा है हमें। ओके वी स्लॉट, आई थिंक इसको रिफ्रेश की जरूरत है, लेट मी चेक अगेन। ओके माई बैड, एक्चुअली जो मैं यहाँ पे स्लॉट यूज कर रहा हूँ ना, ये मुझे इसके साथ में यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, अभी आपको परफेक्ट दिखेगा। अब देख सकते हो मैं पीटर दिख गया हेडर टैग, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सेम जो मेरा पी टैग है ना वो भी दिखे मेन वाले के अंदर, बिकॉज हमने मेन सेक्शन बनाया ना, तो इसके अंदर आप उठाओ अपना पी टैग और इसके अंदर रख दो, और एट द लास्ट आप फिर से इसको उठा सकते हो एक बार और यहाँ पे नीचे रखोगे, इसका नाम भी डिफाइन कर सकते हो फूटर, और फूटर के बाद में आप क्या कर सकते हो एक यहाँ पे बटन बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लो अगर आपकी इच्छा है तो, और अब देखो आपको तीनों की तीनों चीज़ें परफेक्ट दिख रही हैं। थोड़ा सा स्टाइल भी कर लेते हैं इसको, ये स्टाइल करने में बड़ा मजा आएगा, इसको एक काट के जैसा दिखेगा हमें, ठीक है। सो यहाँ पे जाते हैं हम, हेडर फूटर और ये सब कुछ दिख रहा है, बट हमें एक डिव की ज़रूरत है। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे इन सबको एक डिव के अंदर ले सकते हैं, राइट। यहाँ पे लेता हूँ एक डिव, यहाँ पे, और अब सब कुछ आई थिंक एक डिव के अंदर मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब यहाँ पे लगाते हैं बॉर्डर 1 pixel सॉलिड, अच्छा ये मैंने ऊपर वाले पे लगा दिया, सॉरी फॉर दैट। ये वाला डिव चाहिए हमें, बॉर्डर 1 pixel सॉलिड विथ 250 पिक्सल टेक्स्ट अलाइन सेंटर पैडिंग 20 पिक्सल, और इसको थोड़ा सा मैं 200 पिक्सल कर लेता हूँ, ये काफ़ी रहेगा, और या फिर थोड़ा और भी कम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 170 भी कर सकते हो, ठीक है। और चाहो से कुछ कलर वगैरह भी देना चाहो तो वो भी दे सकते हो, बट ऐसे भी हमें अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ में। और अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, और चाइल्ड के अंदर यहाँ पे हम थोड़ी सी CSS भी करेंगे, स्टाइल ले लेते हैं हम, स्टाइल हमने बंद कर दिया है, और यहाँ पे ले लेते हैं डॉट काट, ठीक है। और जो ये डिव है इसको हम काट क्लास ले लेते हैं, ठीक है। अब वापस आते हैं हम, और ये देखिए हमें एक बहुत अच्छा कार्ड दिख गया। अब आप एक चाहो तो एक ऐसा ही सिंपल एक और चाइल्ड बना सकते हो, जैसे कि आपने एक ये बनाया अब यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे पीटर की जगह पे लिख दो लेट से फेसबुक रिएक्ट जेएस बाय नाउ, और अब आपको यहाँ पे दो थोड़ी सी मार्जिन और भी दे लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आपको यहाँ पे दो कार्ड भी दिख रहे हैं परफेक्ट तरीके से, ठीक है। अब लेट से कि एक्चुअल यूज यहाँ पे आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा, जैसे कि आपने यहाँ पे ये वाली स्लॉट है, इसके अंदर यहाँ पे आपने खुद से एक बटन बना दिया, ठीक है, और इसका यहाँ पे आपने कुछ लिख दिया लेट से क्लिक मी, ठीक है। और लेट से कि अब मैंने यहाँ पे वी फूटर यूज करके इसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ पास नहीं करा, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे क्लिक मी अपने आप आ गया, ठीक है, बिकॉज ये इसके अंदर ऊपर वाले व्यू के अंदर तो हमने यहाँ पे टेम्पलेट में कुछ ना कुछ पास कर दिया था, बट नीचे वाले टेम्पलेट में हमने कुछ पास करा ही नहीं है, ठीक है। तो इसने बाय डिफॉल्ट भी उठा लिया, एक के अंदर वो खुद का एक डाटा ले रहा है, एक के अंदर वो बाय डिफॉल्ट डाटा ले रहा है।
सो ये एक अलग से बेनिफिट हो जाता है जब भी हम लोग नेम्ड टेम्पलेट या फिर नेम्ड स्लॉट यूज करते हैं। सो कुछ कन्फ्यूजन है तो मेरे से पूछ लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो यहां से आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखो जैसे कि हमने चाइल्ड के अंदर एक स्लॉट बना लिया है यहाँ पे, ठीक है, और क्या मैं इसका एक और चाइल्ड कंपोनेंट बना के स्लॉट के अंदर स्लॉट यूज कर सकता हूँ? इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल आप स्लॉट के अंदर स्लॉट यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।